मैं जानता हूँ इसके दिल की बात, वो आपको चाहती है और इसीलिए अपने परिवार और गांव वालों के खिलाफ जाकर भी मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। पर याद रखना, ये कंगन तेरे पास अमानत है, मेरे पोते की बहू को देना। श्री का डर और आप सबकी चिंता को दूर करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। आप सब हमारे साथ मुंबई आ रहे हैं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? या फिर आप कुछ छिपा रही हैं हमसे? निक्की, वो हरि ने कुछ मत बताना भाभी, सरप्राइज। बिटिया इतना रो क्यों रही है? हम सब चल रहे हैं ना तेरे साथ। सब कहाँ चल रहे हैं बापू? माँ तो यही रह जाएंगी। किस किस कोने से मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी बापू। पापा कहती है कि मेरी माँ मर गई है, लेकिन वो जिंदा है। घर के हर एक कोने में, हर एक नींव पर, हर एक पत्थर में मैं इन सारी जगहों से माँ को अपने साथ कैसे ले जाऊं? आपका क्या है बाबू? अगर आपको कभी भी माँ की याद आई तो आप जाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे जो माँ ने अपने हाथों से लगाया था। लेकिन मैं उन डालियों को मुंबई तक कैसे पहुंचाऊंगी? कैसे? बेटी, अगर सचमुच माँ कहीं बसती है तो वो यहाँ। बेटी भले ही कितनी ही दूर हो जाए, माँ हमेशा उसके पास होती है ना बिटिया? से नहीं बैठेगी वो आत्मा, वो डराएगी तुझे, बहुत सताएगी तुझे। कैसे बचाएगी अपने आप को? कैसे लड़ेगी अपने प्यार के लिए जो प्यार की दुश्मन है? प्यार रक्षा करना भोलेनाथ। अपनी जिस विद्या पर आज तक मान करता आया हूँ, चाहता हूँ कि आज वो झूठ साबित हो जाए। श्री की जन्मपत्री में जो भी देखा वो सब गलत निकले और मेरी बच्ची हमेशा सुखी रहे। अपने ही घर जाते हुए डर लग रहा है। कैसे करूँगी मैं सबका सामना। छोटी बा, निक्की और रजनी जिसकी गोद में मैंने कुछ रिफल रखा था, क्या कहूँगी उसे, कैसे समझाऊंगी मैं उसे। वादा रहा ये वादा रहा, आ जाए कोई भी तूफान। वादा रहा ये वादा रहा, आ जाए कोई भी तूफान। अरे क्या हुआ? मेरे नोट उड़ गए निहाल, मेरे नोट उड़ गए। लेकिन ऐसे कैसे पैसे उड़ गए? हाँ, तेज हवा से मेरी जेब से निकले और सारे पैसे उड़ गए। देखा श्री, इतना लापरवाह है तेरा यार। क्या कर रहा तू? बैठा बैठा जा जाके पैसे बटोर के लाना। मैं? हाँ तू। क्या यार बेवजह मेहनत कराता है तू भी। अच्छा अच्छा है, जाता हूँ। छोटू, मैं क्या बोलता हूँ, तू भी जाकर निहाल की मदद करना। अरे तुम दोनों को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? आखिर तुम दोनों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। छोटू, वो क्या है ना, निहाल अकेले नोट ढूंढ नहीं पाएगा। क्या है ना कि वो सावन का अंधा है। सावन का अंधा? हाँ, उसे सब हरा दिखता है, पेड़ पौधे रास्ता सब हरा, और मेरे नोट भी हरे, तो कैसे ढूंढ पाएगा बेचारा नोट, है ना। जाना छोटू, क्या कर रहा है तू? ठीक है, जाता हूँ। बड़े लाड साहब आप, खुद के पैसे उड़ गए तो दोनों को भेज दिया। जानबूझकर भेजा है। जानबूझकर? और इससे पहले दोनों लौट कर आए, जल्दी से कह दो। क्या? आई लव यू। आप बहुत गंदे हो। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। मैं नहीं बोलूंगी। जब तक आई लव यू नहीं बोलोगी, गाड़ी यहाँ से नहीं हिलेगी। कब से हो रहा है ये सब? क्या? अरे यही सावन का अंधा पर। है? अरे ये हरा हरा दिखना, कुछ लेते हो कि नहीं? सावन का अंधा? मैं? मुझे हरा दिखाई देता है। अरे इसीलिए तो आया हूँ आपकी मदद करने। वो इंजीनियर बाबू ने खुद मुझे भेजा है। अच्छा बेटा, कबाब में से हड्डी हटाने की साजिश। एक बार मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें शर्म आती है तो ये लो, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब तो बोलो, बोलो ना श्री। लव यू। फिर से कहूँ? एक बार फिर से कहूँ ना। क्या बोलूँ? चलो आगे चलो। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा लक्ष्मी, बहुत देर का निकला हूँ। अभी तक तो मुझे अहमदाबाद पहुँच जाना चाहिए था। पता नहीं ये रास्ते को क्या हो गया, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम पहुँचो, ये नहीं हो सकता। लक्ष्मी भाई घूम फिर के उसी जगह आया जहाँ से गया था। किस जगह? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है ना? एक मिनट लक्ष्मी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अरे क्या हुआ साहब, अभी तक यहाँ है? भैया आपका ये सोपी वापस ले लीजिए। अरे साहब बिका हुआ माल वापस नहीं लेते। आप तो लोगे, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन क्या हुआ, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो, अरे मैं लेकिन माल का आदमी है, पैसे भी देकर गया और माल भी लौटा कर गया। कहने वाले ने सच कहा है, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। गाड़ी गरम। क्या हुआ हरी बाबू? लगता है गाड़ी गरम हो गई है। अब क्या करें? सामने ये ढाबा है ना, और मुझको लगता है इसके पास मैकेनिक भी होगा। चल चल के देखते हैं। हाँ। शोपीस बेचने के लिए है ना? हाँ जी, बेचने के लिए है, बिल्कुल बेचने के लिए है, आपके लिए ही है। अरे साहब इतनी कीमती चीज है, जरा सोच समझ कर दाम लगाइए। आप तो भिंडी खरीदने जैसा मोल भाव कर रहे हैं साहब। अरे तो फिर कितने दो इस शोपीस के लिए? 10,000। क्या बात कर रहे हो यार? अरे 10,000 का थोड़ी ना है ये शोपीस। अरे सड़क किनारे 400-450 में मिल जाते हैं ऐसे शोपीस। हाँ हाँ, पर वो हर एक को पसंद तो नहीं आती ना। सब समझ रहा हूँ बेटा, पर इस वक्त तुझसे बहस नहीं करना चाहता। शादी के बाद ये शोपीस वो पहली चीज है जो श्री को पसंद आई है। देखो, इस वक्त मेरे पास सिर्फ ये 8,000 रुपए हैं। तुम ये सारे ले लो और ये शोपीस मुझे दे दो। साहब इतने में तो नहीं होगा। अरे सोच क्या रहे हैं साहब, ऐसी चीज हर रोज देखने को नहीं मिलती। अरे अरे सोच क्या रहे हैं साहब, आपके साथ वाले लोगों के पास जाइए, 2000 तो कोई भी निकाल के दे देगा। ये शोपीस मुझे अपनी बीवी के लिए चाहिए, इसलिए इसकी कीमत भी मैं ही दूंगा, किसी की मदद की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें जमता है तो दो, नहीं तो रहने दो। इतने में तो नहीं आएगा साहब। ऊपर वाले ने भी कमाल की चीज भेजी है, 8000 देने को तैयार हो गया। अगर ये 8000 देने के लिए तैयार हो गया तो कोई और 10000 देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। बाबूजी, बाबूजी, ये लीजिए, ये बॉटल रख लीजिए आप। तो इरादा बदल गया? हाँ, बदल गया इरादा, बदल गया। तुम्हारी चीज छोड़ के चल दो ना, तब अकल आती है तुम्हें, नहीं तो बेकार भाव बढ़ते रहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, अब बस एक काम कीजिए, ये बॉटल आप रख लीजिए अपने पास, रख लीजिए, रख लीजिए। अरे इसके पैसे तो लेते जाओ। अजीब आदमी है। श्री से देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, कितने प्यार से निहार रही थी इसे। नहीं चाहिए। अरे इतने प्यार से लाया हूं मैं तुम्हारे लिए और कह रही हूं नहीं चाहिए। पसंद नहीं है। पर क्यों? क्यों ही? झूठ मत बोलो श्री, मैं देख रहा था कितने प्यार से निहार रही थी तुम इस बॉटल को, आंखें पढ़ ली थी मैंने तुम्हारी। अच्छा, तो आप मेरी आंखें पढ़ सकते हो? आंखें क्या है, हम तो आपके दिल की बात भी पढ़ सकते हैं। बस आप आंखें बंद करिए और हम बता देंगे आपके दिल में क्या चल रहा है। तो लो, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अब बताओ मेरे दिल में क्या है। बता दूं? हाँ बता दो। मेरी तस्वीर। देखो श्री, ये मेरे पहले प्यार का पहला तोहफा है, पर अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, हम किसी और को दे देते हैं। लेकिन मैंने ना कब बोला? पर हाँ भी तो नहीं कहा।